लाइक एंड सब्सक्राइब माय नमस्कार चैनल। दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का विजडम कोचिंग क्लासेस 17 में स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमारे लोगों ने इकाई का अंक ज्ञात करने के पार्ट 1 पर डिस्कशन किया था, आज हम पार्ट 2 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिससे ये मान चलिए इकाई के अंक ज्ञात करने की सारी समस्याओं का समाधान। तो दोस्तों मेरे साथ लगे रहिए, एक बार मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो देखिए, आज हम एक न्यू टाइप की तरफ चल रहे हैं और एक बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहले पार्ट पे बताया था, इस पार्ट में उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी वी यूज द फर्स्ट पार्ट, यानी अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें, ताकि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन टाइप की तरफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास कई सारे एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कि मैंने इस लेक्चर के लिए यानी इकाई के अंक ज्ञात करने के पार्ट 1 पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपके सामने ढेर सारे एग्जाम आ रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन जरूर से जरूर कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे पास जैसे कोई भी चीज़ है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने कल आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। यदि 0, 1, 5, 6 होता है तो इकाई का अंक वही होता है, 4 से भाग देने पर सेकंड टाइप बताया था, थर्ड टाइप बताया था यदि रिमाइंडर आपका 0 बचता है, यानी शेष फल आपके 0 बचते हैं। तो दोस्तों हम आप चलते हैं कि नेक्स्ट कैसे फॉलो करेंगे। तो जैसे हमारे पास सारी कई सारी संभावनाएं होती हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपने टॉपिक के माध्यम से। तो पहले जैसे मैंने सपोज कह दिया कि खूब सारी संख्याएं गुणे में हैं, यानी बहुत से नंबर 425 प्लस इंटू 332 इंटू 4 124 इंटू 126 और समथिंग, ये मेरे पास हो गया। अब कह रहा है कि मुझे इकाई का अंक निकालना है। तो दोस्तों मैं इसका इतनी बार मल्टीप्लाई थोड़ी करता रहूंगा, वी लॉस्ट टाइम, यानी हम अपना समय क्या कर सकते, उसमें क्या करेंगे, लॉस करते रहेंगे, कोई मतलब। तो दोस्तों क्या करना है, मुझे इकाई के अंक को सबको लेकर के चलना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गुणा करने की प्रोसेस, देखिए 5 2 9 10 कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 के इकाई के अंक को लेना है, तो कितना है, 0 है, 0 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो देन फाइंड 0, एंड 0 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो अब मेरे पास जो इकाई का अंक है, अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपको 5 और 2 का जोड़ा मिले, ठीक है, 5 और 2 का जोड़ा मिले, तो जो मेरा इकाई का अंक होगा, अंक क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि यदि 5 और 2 का जोड़ा मिलता है मल्टीप्लाई में, तो हमेशा इकाई का अंक जोड़ा है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 2 और 5 का या 5 और 2 का आपको ग्रुप ढूंढना है। ग्रुप ढूंढने के बाद आप ये डिसाइड आराम से कर सकते हैं कि मेरे इकाई का अंक 0 है, आगे आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए इसी के एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपके 5 2 नहीं होते हैं, ठीक है। 5 2 को मैं पूरी तरह से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। जैसे सपोज मैंने लिखा 423 532 624 320 321 लेते हैं, ओके। यानी अगर मैंने लिखा 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 3 दुनाई 6 का, यानी इकाई के अंक को ही लेना है, 6 चौको 24। तो अब 4 को लेना है, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 1 4, तो इकाई का अंक दोस्तों मेरा कितना हो गया, इकाई का अंक दोस्तों मेरे पास हो गया 4। तो आपको दोस्तों इस चीज का विशेष कर ध्यान देना है कि जब कभी भी आपके 2 और 5 के जोड़े के अलावा जब कभी ऐसी संख्याएं आ जाएं, तो उनका 3 दुनाई 6 6 आया, 6 चौक 24 24 के इकाई का अंक 4 लेना है, 4 को गुणा 1 से करेंगे 4 आया,
दोस्तों इस प्रकार से मेरा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोस्तों देखिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन है, मैंने आपको इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए, अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं जिसमें बेसिकली आपको फर्स्ट पार्ट की बहुत सारी आवश्यकता होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं फर्स्ट पार्ट आपको कैसे करना है उस चीज को देख लीजिए। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरे पास जैसे कोई है एक्स एग्जाम्पल को ले लेता हूँ, यानी जो आपका नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा 147 की पावर, कुछ भी लिखते एक्स वाई जेड यानी आप जो कुछ भी मानना चाहें। मैंने लिखा 153 इंटू दूसरी संख्या मैंने लिख दी 341 की पावर, ठीक है 72। तो दोस्तों मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें 4 का भाग देते हैं। देखिए 4 तेई 12, 3 15, 4 8 32, 1 बचा यानी 7 की पावर 1 यहाँ पर आ गया इंटू। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके लास्ट में 0 1 5 6 कुछ भी संख्या आती है उसकी इकाई का अंक कितना होता है, कितना होता है 1 होता है। सो दोस्तों इस कंडीशन में मेरे पास जो इकाई का जो अंक आया दोस्तों, इकाई का अंक मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट न्यू टाइप है। तो दोस्तों इसी तरह देखते रहिए। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करेंगे दोस्तों छोटे छोटे हैं, कैलकुलेशन बहुत होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज कर लें। तो देखिए मैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा 7 की पावर 71 लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा एन क्वेश्चन ले लिया 6 की पावर 59 इंटू एन थर्ड ले लिया मैंने 3 के पावर 65। तो दोस्तों 4 एकन्ने 4, ठीक है 4 एकन्ने 4 और 3 4 8 4 7 28, 28 29 30 31 3 आया 7 की पावर 3 इंटू ये कितना हो गया, 6 का 6 ही रहेगा और ये 3 4 करने 4 2 बचा 4 5 20 4 6 24 यानी एक कितना आ गया, 3 आ गया। दोस्तों अब इसको 7 की पावर जैसे ही मैं 3 करूंगा 7 49 कितना हुआ, 7 49 फिर 9 का फिर 7 से मल्टीप्लाई 9 7 63, 63 का इकाई का अंक कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया 363। अब इसका 36 18 दोस्तों 18 आया। अब 8 का मल्टीप्लाई 3 से 8 3 24, 24 किया जो इकाई का अंक मेरा कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। इसी प्रकार मेरा ये आंसर आ गया दोस्तों। जैसे ये मेरे पास एक टाइप था, इसके अलावा मैं एक टाइप और देने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉजिकल ही है। थोड़ा गौर से देखिएगा, गौर से नहीं देखेंगे प्रॉब्लम में जरूर आ जाएंगे। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे लिया 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर, कोई भी पावर ले सकते हैं आप, इसमें कोई दुराय नहीं, इतना लिया। तो देखिए इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 2 8 1, 4 3 12 3, 7 49। अभी अभी मैंने सॉल्व किया कितना आया था, 3 आया था माइनस 3, 4 1 4 4 5 4 4 16 2 3 3 9 कितना आ गया 9। तो दोस्तों यदि मुझे माइनस करना है तो माइनस का 6 आ गया। अब मेरे पास बात आती है कि मैं इसको आखिरकार फाइंड आउट कैसे करूं, माइनस का 6 तो इकाई का अंक होगा नहीं, जब माइनस का 6 इकाई का अंक नहीं होगा तो इसको हमेशा 10 से माइनस कर देना, यानी 4 ही मेरा आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको देखते रहिएगा। सो दोस्तों इस प्रकार मेरा इकाई के अंक निकालने के सारे टाइप क्वेश्चन समाप्त हुए, और भी जो टाइप है मैं आपको इसी तरह वीडियो में लाता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।